हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ एक नेचुरल हर्बल शैम्पू। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और गंजा होने की नौबत आ गई है तो ये शैम्पू यूज करके देखिए। हम लोग बहुत सारे केमिकल वाले शैम्पूज आजकल यूज करते हैं जिससे हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इस शैम्पू से आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही, बाल मजबूत, लंबे और काले होंगे। इस शैम्पू को बनाना भी बहुत आसान है, केमिकल वाले सारे शैम्पूज आप भूल जाएंगे इसको यूज करने के बाद। तो आइए मैं बताती हूँ इसको बनाना कैसे है और हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। पहले चार इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, आंवला, रीठा, शिकाकाई और मेथी दाने। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ये एक सुपर फूड होता है बालों के लिए। इसको खाने से हमारे बाल अच्छे होते हैं और इसके टॉपिकल एप्लीकेशन भी बालों को बहुत हेल्दी रखते हैं। ये तो हम अपनी दादी नानी से ही सुनते आ रहे हैं कि आंवला लगाओ, आंवले का तेल लगाओ अपने बालों में, बाल काले घने मजबूत होंगे। और वाकई में पुराने ज़माने के लोगों के बाल कितने काले घने लंबे होते थे, वो यही रीज़न होता था कि वो लोग यही सब चीज़ें लगाती थी। और आजकल की जनरेशन के लोगों के बाल बहुत जल्दी वाइट होने लगते हैं क्योंकि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। दूसरा है शिकाकाई, ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, अगर कोई भी डैंड्रफ होता है उसको दूर करता है, स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं ना, बाल नीचे से दो मुहे हो जाते हैं, उन सबको दूर करने में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरा नेचुरल इंग्रेडिएंट हम लेंगे रीठा। रीठा एक बहुत अच्छा क्लेंजर होता है। ये हमारे शैम्पू को बनाने में, वो जो झाग होता है ना शैम्पू का, वो बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसको आप एक नेचुरल कंडीशनर बोल सकते हैं। स्कैल्प पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसको दूर करने में ये बहुत हेल्प करता है और बालों को इतना स्मूथ और शाइनी बना देता है ना कि कोई भी केमिकल शैम्पू क्या ही बनाएगा। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, उनके लिए ये शैम्पू बेस्ट है। केमिकल वाले शैम्पू छोड़ दो और इसको एक महीने तक लगा के देखो रेगुलर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी दाना। मेथी दाने में भी बहुत अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो बालों को हेल्दी रखने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसका टॉपिकल एप्लीकेशन बालों को शाइनी, हेल्दी और ब्लैक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने यहाँ लगभग 100-100 ग्राम इन सारी इंग्रेडिएंट्स को ले लिया है और इनको एक बोल में सबको डाल दिया है। पहले इनको हमें पानी से धो लेना है ताकि कोई भी तो मैंने इन सब में पानी डाल के अच्छे से इनको पानी से धो लिया था और इस पानी को फेंक दिया था। ये देखिए एकदम साफ हो गए हैं। अब इसमें मैंने साफ पानी डाल के और इसको रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। आंवला, रीठा, शिकाकाई भिगो के और इसमें मैंने ये मेथी दाने जो लिए थे ना, वो भी इसमें डाल के रात भर के लिए ऐसे ही सोक करने के लिए छोड़ दिया था। रात भर ये ऐसे ही भीगते रहे, फिर सुबह जब देखा तो ये कुछ इस कलर के हो गए थे। ये देखिए कितने अच्छे से सोक हो गए हैं और इसका कलर भी कैसा रिच ब्राउन सा हो गया है। एक और इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होगा वो है अलसी के बीज, जिसको हम ग्राइंड करके पाउडर टेक्सचर में करके रख लेंगे। अब हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पर चढ़ाएंगे और जो रात में भिगोए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स थे ना, उन सब को इस कढ़ाई में डाल के पकाएंगे। उसका सारा पानी, सारे इंग्रेडिएंट्स इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए रीठे का झाग अभी ही से हमको दिखने लगा है पानी में, जो शैम्पू वाला झाग होता है ना रीठे का, वो लगभग 10-15 मिनट के बाद जब ये पक के कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, तो उसमें जो अलसी का पाउडर हमने निकाला था ना, फ्लैक्स सीड्स का पाउडर जो बनाया था, वो इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ एक कप पानी भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो अलसी जो है ना, वो जेल टेक्सचर में आने के लिए थोड़ा उसको आसानी हो जाए। फिर इस सारे मिक्सचर को ना 5-10 मिनट के लिए और गैस पर रहने देंगे ताकि अलसी भी अपना काम करे। इसमें शैम्पू जो थोड़ा जेल टेक्सचर में होता है ना, उसका वो टेक्सचर लाने के लिए हमने यहाँ पे अलसी डाला है ताकि ना शैम्पू हमारा थोड़ा जेल टेक्सचर में हो। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का नॉर्मल हो जाए, तो हम ये रीठे के जो बीज होते हैं ना, उसको निकाल के हटा देंगे। मैंने यह ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि ना ये मिक्सचर हमारे बालों के साथ साथ हाथ को भी काला कर देगा, इसलिए
ये ग्लव्स मैंने पहन लिए थे ताकि मेरे नेल्स बचे रहें। फिर हमें करना ये होगा कि हम इस सारे मिक्सचर को ना अच्छे से मसल लेंगे, इसको एकदम रीठा आंवला सब आपस में ताकि मिल जाए और वो जो थिक पेस्ट, वो शैम्पू वाला टेक्सचर आ जाए। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ करे ना अपने शैम्पू को बनाने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं हमारे बालों पे। और इसको यूज़ करके आप देखिएगा ज़रूर एक बार, आपको मतलब प्यार हो जाएगा इस शैम्पू से। हमें इस सारे मिक्सचर को ना अच्छे से पकड़ के ऐसे मैश कर लेना है ताकि जब हम इसको छाने तो शैम्पू में जो सारे इसके पोषण है ना वो मिल जाए, हमको कुछ भी वेस्ट ना हो। देखिए ऑलरेडी झाग इसमें ऊपर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इस शैम्पू में झाग नहीं बनेगा, वो जो रीठा डाला था ना वो इसमें झाग बनाएगा। अब हमें करना ये होगा, एक कॉटन का कपड़ा लेके इस सारे मिक्सचर को उसमें डाल के नीचे एक बोल रख लिया है मैंने और उसमें सारा छान लेना है। और छान के जो नीचे निकलेगा वो होगा हमारा हर्बल शैम्पू, जो इतना नेचुरल है ना, इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स नेचुरल डले हैं, कोई केमिकल नहीं है। देखिएगा इसको यूज़ करके आप, ये देखिए ये कितनी आसानी से इस कॉटन कपड़े की हेल्प से छान के निकल रहा है और ये शैम्पू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। ये देखिए झाग इसमें ऑलरेडी दिख रहा है, अगर आप इसको बालों पे लगाएंगी ना तो ये फौरन झाग बनाएगा और जो भी ऑयल या कुछ भी गंदगी होगी ना बहुत आसानी से निकालेगा बालों से। मैंने इस सारे ही शैम्पू को निकाल के एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया था, मेरे पास एक पुरानी खाली बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने उसमें स्टोर करके इसको रख लिया है ज़्यादा से बना के फ्रिज में, ताकि 2 हफ्ते तक तो ये आराम से चल जाए। जब भी यूज़ करना हो फ्रिज से निकाल के पहले से रख लें, रूम टेम्परेचर में हो जाने दें और फिर इसको अपने बालों पर यूज़ करें, फिर देखिएगा आपके बालों में क्या गजब के चेंजेस दिखेंगे। बाल लंबे घने और काले होंगे। और शैम्पू निकालने के बाद जो ऊपर वेस्ट बचेगा ना उसको पानी डाल के हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए और इसको एज अ हेयर मास्क आप यूज कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी जबरदस्त सी रेमेडीज आप सबके लिए लाती रहूंगी।